हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टेनलेस स्टील को हाई एलोय स्टील कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील में गुड कोरोशन रेजिस्टेंस का गुण होता है। स्टेनलेस स्टील मुख्य तीन प्रकार की होती है। एक होती है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरी होती है मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील और तीसरी होती है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। वेल्डिंग करने के लिए ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील को 300 सीरीज ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। 300 सीरीज वाले स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए कौन-कौन से इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। E308-1516 यानी कि अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इस इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ई मींस स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है यानी कि इस इलेक्ट्रोड को मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है यानी कि सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग में इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। 308 यानी कि 308 मींस इसमें 20% क्रोमियम और 10% निकल होता है। -15 मींस यानी कि इसका मतलब क्या होता है। -15 मींस इस इलेक्ट्रोड में लाइम कोटेड फ्लक्स का कोटिंग होता है और इस इलेक्ट्रोड को DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं। -15 का मतलब ये होता है। अब -16 मींस इस इलेक्ट्रोड में टिटानिया कोटेड फ्लक्स का कोटिंग होता है और इस इलेक्ट्रोड को एसी करंट में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड को यानी के ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। यूजेस E308-1516 यानी के ये स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ किया जाता है यानी के E308-1516 इलेक्ट्रोड का यूज 301, 302, 303, 304, 308 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E309-1516 यानी कि इस इलेक्ट्रोड का अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ई मींस होता है स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और 309 मींस 22% क्रोमियम होता है और 12% निकल होता है और -15 और -16 मींस -15 मींस ये इस इलेक्ट्रोड में लाइम कोटेड, ये इलेक्ट्रोड लाइम कोटेड होता है और इस इलेक्ट्रोड को DCRP यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। और उसके बाद -16 मींस इस इलेक्ट्रोड में टिटानिया कोटेड इलेक्ट्रोड का कोटिंग होता है और इस इलेक्ट्रोड को एसी
और डीसीआरपी यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं। यूजेस E309-1516 यानी कि इस इलेक्ट्रोड का यूज 309 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए E309-1516 का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E310-1516 यानी कि E मींस होता है स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और 310 मींस 26% क्रोमियम और 21% निकल होता है। डैश 15 मींस ये लाइम कोटेड इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को डीसीआरपी यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड से ऑल पोजीशन में वेल्ड किया जाता है। डैश 16 मींस इस इलेक्ट्रोड पर टिटानियम कोटेड फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को एसी और डीसीआरपी यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड कर सकते हैं। अब E310-1516 का यूजेस E310-1516 इलेक्ट्रोड का यूज 310-314 ग्रेड स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यानी के E310-1516 का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E316-1516 E मींस होता है स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और 316 का मतलब यानी के 316 मींस 19% क्रोमियम और 12.5% निकल होता है। डैश 15 मींस लाइम कोटेड इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को डीसीआरपी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। डैश 16 मींस इस इलेक्ट्रोड पर टिटानियम कोटेड फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ है यानी कि टिटानियम कोटेड इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को एसी करंट और डीसीआरपी यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में यूज कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। E316-1516 का यूजेस इस इलेक्ट्रोड का यूज 316 स्टेनलेस स्टील ग्रेड को वेल्ड करने के लिए E316-1516 इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। अब उसके बाद E347-1516 यानी के इस इलेक्ट्रोड को अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में यानी कि स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड को अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी में इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ई मींस होता है स्टिक वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग या मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग में वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। 347 मींस इसमें 19.5% क्रोमियम होता है और 9.5% निकल होता है। डैश 15 मींस ये लाइम कोटेड इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी यानी कि डीसीआरपी में यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में यूज कर सकते हैं। अगर डैश 16 हो तो यानी कि डैश 16 मींस इस इलेक्ट्रोड पर टिटानियम कोटेड इलेक्ट्रोड का फ्लक्स कोटिंग किया हुआ है और इस इलेक्ट्रोड को एसी में यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को डीसीआरपी यानी के डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलारिटी में भी यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को ऑल पोजीशन में भी यूज किया जाता है। अब E347-1516 इलेक्ट्रोड का यूजेस यानी के E347-1516 इस इलेक्ट्रोड का यूज सभी स्टेनलेस स्टील ग्रेडों को वेल्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिखकर जरूर बताना।